वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं राहुल शर्मा को, जिनकी आज बर्थडे है। हमारी तरफ से आपको बर्थडे की शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, हमारी दुआ यही है और आप कामयाब भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग राहुल को ये बोलना चाहेंगे कि जो आपने वीडियो सजेस्ट की है वो डेफिनेटली हम जरूर देखेंगे। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो वीडियो हमें सजेस्ट की है वेंकट किशोर ने। अच्छा, वैसे कई दफा ना नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो मुंह के एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं वेंकट किशोर ने। अच्छा, थोड़ा नाम भी साउथ वाला है ना। हाँ, थोड़ा साउथ वाला लगता है। एनीवे गाइस, वीडियो का टाइटल है साबरमती रिवर फ्रंट न्यू फुट ओवर ब्रिज न्यू नाइट व्यू इमर्जिंग इंडिया। अच्छा, साबरमती रिवर के बारे में हम लोगों ने पहले एक वीडियो देखी है और हमें पता है कि साबरमती रिवर किस तरीके से दोबारा से बनाया गया, लेकिन आज ट्रांसफॉर्म दोबारा से किया गया। बना तो पहले ही वो हुआ था, नेचुरल था। ट्रांसफॉर्म कैसे किया गया उसको, मतलब थैंक यू सो मच एग्जैक्ट बात मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अभी देख लेते हैं ये वीडियो की, इस वीडियो में नया क्या है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करके फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करके फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कितना अच्छा लग रहा है नाइट व्यू ना। ब्रिज के नीचे लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। ओ तिरंगा लग भी रहा था, पर्पल कलर भी आ गया था मुझे। हाँ, फ्लावर्स पार्क। शुक्र मैंने पार्टी नहीं बोल दिया। अच्छा, ये भी अच्छा, कुछ काम चल तो रहा है। अच्छा, तुम्हें फुटर ब्रिज में अच्छा बन रहा है ना, डिजाइन अच्छा है। रात के रंग बहुत अच्छा है, खूबसूरत। वो डिजाइन कितना अच्छा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डिजाइन काफी अच्छा बन रहा है। मजा आएगा ना बहुत। पूरा एक 3D व्यू, ये 2D आपका व्यू। नाइट व्यू काफी अच्छा है, मुझे लहरें बहुत अच्छी लगती हैं। फ्लावर पार्क तो मेरे हाल में हमने देखा, हमने देखा हुआ है। ये समझ लग रही है पानी किस चीज का है। जो बोट खड़ी उनका यार, देखो बच्चों के लिए भी कितनी अच्छी एक्टिविटी है। ओके, ये देखो कितना मजे का ये उसके अंदर जाके आप कर सके। ये क्या बेटे? ओके, रिवर फ्रंट हाउस। ये वो वाले घर तो नहीं है? कौन से? नहीं, मैंने अभी वो नहीं, तो तिरंगा बना है लेकिन बीच में पर्पल कलर की समझ नहीं लग रही। मुझे भी नहीं लग रही। बोल दूं कौन से वाले? हाँ, गलत ही होंगे ज्यादातर। मतलब जो धोबी वगैरह रहते थे वहां पे, उन लोगों को भी तो शिफ्ट किया था ना। नहीं मालूम, लेकिन ये कितना खूबसूरत ट्रांसफॉर्म किया यार। ये वाला पानी क्या है? वो क्या इसको बोलते हैं, मौसम टर्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। यार बोलेंगे तो सीखेंगे ना। नहीं पता मुझे। ये पर रेस्टोरेंट बना हुआ यार, मजा कितना आता होगा ना रात के टाइम। वैसे साथ वो छोटा छोटा शिप भी कहेंगे से, वो जो होती है फेरी बोट। हाँ,
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मैं यहाँ पर जो है इंडिया की गवर्नमेंट की एक तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है खासतौर पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो जानती है कि भाई किस जगह को किस तरह मॉडिफाई करके वहाँ से पैसा जनरेट किया जा सकता है। बिल्कुल, और मतलब गुजरात का जितना भी हम लोगों ने वीडियोस देखी है बहुत बहुत खूबसूरत है। और गुजराती तो वैसे ही वो बिजनेसमैन होते हैं, तो वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं भाई कहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह को खूबसूरत बना दिया और वहाँ पर बस उसको छोड़ दिया, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। जैसे हम आज की वीडियो देखें, एक तो जो ब्रिज बन रहा है मेरे ख्याल में वो अपने आप में इतनी बड़ी अट्रैक्शन होगा ना कि सब लोग वहाँ पर विजिट करना चाहेंगे। और मतलब एक व्यू बहुत खूबसूरत कि रिवर के सेंटर में आप खड़े होकर दोनों साइडों से आप देख सकते हो। फिर उसके अलावा बोटिंग, फिर आपको फेरी भी वहां पर नजर आ रही है। फिर उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, आप वो भी आप मतलब वहां पर इंजॉय कर सकते हो। तो सबसे मजे की चीज मुझे ये लगती है, बिल्कुल, मैं अक्सर क्योंकि लाहौर में तो रावी दरिया भी गुजरता है, तो मैं अक्सर आते से बात करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे बंद बांध के, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो आता रहता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं है रावी में, पानी इसमें आता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उसे इकट्ठा करे, वहां पे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है वो करे, जो रेसिंग वो बोट्स होती है जिसकी स्की कहते हैं, वो स्की जेट वो करवा सकते हैं। फिर अब देखें इसमें बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज जो है वो है, फिर हाँ फिर उसके बड़ों के लिए एक्टिविटीज हैं, फिर जैसे वो बोट रेस्टोरेंट था बीच में, तो देखिए एक्टिविटीज यानी कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देंगे ना तो आपके लिए खुद ही बहुत सारा वो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो उनके जेन में आइडियाज होंगे लोग वो वहां पे आके इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे और करना चाहें तो। फिर उसके अलावा बीच में जो टर्बाइन थी एक, जहां तक हमें आइडिया हो रहा है कि वहां पर मे बी वो बिजली वगैरह बनाने के लिए जो वहां पर एक्टिविटीज हो रही है उनको वो बिजली वगैरह अगर देखा जाए तो जो हमें देखकर फील हुआ है कि वो टर्बाइन जो है उससे वो अपनी बिजली भी खुद पूरी कर रहे हैं, उसके लिए जो है गवर्नमेंट पे वो लोड नहीं डाला हुआ कि भाई हमें बिजली दो, ये सहूलत दो, वो सहूलत दो। अगर तो हमारा तुक्का बिल्कुल सही है ना मौसम, फिर तो मैं कहूंगी ये कमाल का आइडिया है, क्योंकि देखो आप अपनी सारी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा किसी पर लोड भी नहीं डाल रहे, और किस तरीके से आप चीजों को यूटिलाइज कर, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे अगर एक्टिविटीज की बात करूँ तो अगर आपको याद हो फ्लाइंग बीस जी जो है उनका जो है प्लेन भी यहाँ पे लैंड हुआ था, एग्जैक्टली उनका प्लेन भी यहाँ पर हुआ था लैंड। और मेरा ख्याल में सबसे पहले जो है वो जो क्या हम कहेंगे मतलब प्लेन की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले उसका इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था, और उसके बाद वो सर्विस स्टार्ट हुई थी, मतलब जहां तक मैंने देखा है। यार मैं अगर टूरिज्म के हवाले से बात करूँ और डिफरेंट एक्टिविटीज के हवाले से बात करूँ ना, तो इंडिया इसमें बहुत ज्यादा आगे है। आपको बहुत ज्यादा इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको पूरी दुनिया में यानी दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है उन एक्टिविटीज को करने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें वो अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं तो हमने एक और वीडियो देखी थी जिसमें ग्लास का जिक्र किया गया था कि वो ग्लास ब्रिज बनाने का, ठीक है, वो भी इंडिया में बनाया जा रहा है और करीब उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा, लोगों के लिए वो खोल भी दिया जाएगा। तो जब आप अपनी पब्लिक को इतने ज्यादा वो देते हैं ना, फैसिलिटीज देते हैं, तो पब्लिक भी अप्रिशिएट करती है, वो फिर यही प्रेफर करती है कि हमने अगर कहीं और जाना है तो जब हमारे मुल्क में तो हम यहीं पे चले जाते हैं। एक तो सस्ते का सस्ता, ऊपर से आप आपको वो क्या नाम लेते हैं वीजे लगवाने की जरूरत नहीं, आपको टिकट से टिकट जो लेते हैं वो लेने की जरूरत नहीं, तो काफी ज्यादा आपको जो है फायदा होता है। इससे क्या है लोगों की जेब पे भी असर नहीं पड़ता और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है। बिल्कुल, और यहाँ पर दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी, एक तो मैं क्लियर करना चाहूंगी और दूसरा पूछना चाहूंगी। एक ये कि आई थिंक मैंने पहले टर्बाइन को टर्बन बोल दिया था शायद, तो मैंने कहा मैं पहले खुद ही क्लियर कर दूं, क्योंकि नीचे आ रहेगा इमान टर्बन बोल दिया आपने, तो मैंने कहा मैं पहले बोल देती हूँ। और दूसरा ये कि जो रिवर फ्रंट के सामने जो घर बने हुए थे वो हम लोग पूछना चाहते हैं कि वो मतलब वो भी जो हम लोगों ने बोला है कि जो वहां पर पहले लोग रहते थे उनको वहां पर शिफ्ट किया गया, ये वही है या फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बना? मुझे वैसे लगता है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो बना होगा, क्योंकि अगर लोगों का घर होता तो कुछ कपड़े शपड़े तो लटके हुए नजर आ रहे होते ना। एक वैसे ही मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग जो रिहायशी बिल्डिंग होती हैं, क्योंकि हमारे घर के पास भी तो कभी कभी कोई कपड़ा भी लटका हुआ नजर आ जाता है। ओके, तो गाइस ये जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, और अब हमें इजाजत, और हमारे वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।